दोस्तों नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से नया भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कुल मिलाकर 6,160 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। आप सभी कैंडिडेट वैकेंसी को ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी को ही आवेदन कर पाएंगे। इसमें देखिए, पेमेंट आपको जो दी जाएगी 15,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर देखिए सैलरी दिया जाएगा। इस वैकेंसी के बारे में पोस्ट डिटेल, एज लिमिट, अप्लाई प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से जरूर देखिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं वैकेंसी का नोटिफिकेशन, जो कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन का लिंक यहां पर देखिए, जो पोस्ट निकल कर आए सो अप्रेंटिस पोस्ट ले देखिए बाहर निकाला गया है, जो कि कुल मिलाकर 6,160 पदों के लिए वैकेंसी निकल कर आई है। आइए सो वैकेंसी के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए इसके इंपॉर्टेंट डेट, जो कि कब से आप लोग का देखिए फॉर्म भराना स्टार्ट हो रही है। देखिए 1 सितंबर से फॉर्म भरा रहा है, यानी सो कल से देखिए आपका फॉर्म भराना जो है स्टार्ट हो जाएगी। 21 सितंबर तक आप लोग जो फॉर्म को ऑनलाइन तरीके से आवेदन करेंगे, और इसमें सब लोग का एग्जाम लिया जाएगा, जो कि अक्टूबर नवंबर में आपका जो है एग्जाम लिया जाएगा। इसमें देखिए आपको पेमेंट भी करनी है दोस्तों, जो कि जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये पेमेंट देना है, और अदर कैंडिडेट वालों का जो है कोई भी पेमेंट नहीं लगेगा। पेमेंट आपको ऑनलाइन तरीके से ही करनी है। चलिए सो बात करते हैं एज लिमिट, पोस्ट, वैकेंसी, सारे डिटेल आपको यहाँ पर देखिए बताया जाएगा। जो कि एज आपको यहाँ पर कम से कम आपका 20 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम देखिए 28 वर्ष तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, जो कि एज की कैलकुलेशन 1/8/2023 के अनुसार किया जा रहा है। देखिए हालांकि गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको जो है एज में छूट दिया गया है, और यहाँ पर कुल मिलाकर देखिए 6,160 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास किए हुए इस वैकेंसी को आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटर्न एग्जामिनेशन ली जाएगी, जो कि ऑनलाइन तरीके से। फिर देखिए लोकल लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद इसमें आपका जो है सिलेक्शन होगी। दोस्तों एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए जनरल अवेयरनेस, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से आप लोग का जो है सवाल रहेगा 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का, 15 मिनट का आपका जो है समय दिया जाएगा। जनरल इंग्लिश में देखिए 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 15 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड इन मैथ्स में दोस्तों आप लोग का 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 15 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग और कंप्यूटर से देखिए 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 15 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 60 मिनट का आपका जो है समय दिया जाएगा सेक्शन वाइज। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आप लोग जो है फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म का लिंक कल आपको जो है एक्टिवेट हो जाएगा, आप लोग आवेदन कर पाएंगे। धन्यवाद।